कचबूर में जल जीवन मिशन का शिलान्यास व नव निर्मित सड़क का किया लोकार्पण। कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के गजपुर में जल जीवन मिशन योजना का शिलान्यास व गजपुर से सायों का खेड़ा की नव निर्मित सड़क का लोकार्पण सांसद दिया कुमारी द्वारा किया गया। गजपुर पंचायत के गांव में घर घर नल पहुंचेंगे और पेयजल संकट से स्थायी राहत मिलेगी। साथ ही गजपुर से सायों का खेड़ा तक सड़क का नवीनीकरण होने से आम जन को आवाजाही में सुगम हुई है। शिलान्यास व लोकार्पण के बाद आयोजित समारोह में सांसद ने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का आह्वान किया। कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि गहलोत सरकार कितनी ही तानाशाही कर ले मगर क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट, कुंभलगढ़ प्रधान कमला दसाना, भाजपा नेता माधव लाल जाट, गजपुर सरपंच किशन लाल भील, उप सरपंच खूम सिंह बल्ला, ओलादर मंडल महामंत्री भगवत सिंह, कोयल उप सरपंच माधु सिंह चौहान, देवी सिंह, ललित तावेड़, ओलादर मंडल अध्यक्ष बब्बर सिंह, नाना लाल भील, मीठा लाल गुजर, राय सिंह बल्ला आदि मौजूद थे। या सब तीन चार गाँव में निश्चित तौर पेयजल की जो समस्या को समाधान है वही भी समाधान भी जिला प्रमुख के प्रतिनिधि के रूप में। भवानी के भागल में सांसद दिया कुमारी ने किए मां भवानी माता के दर्शन। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं राजसमंद सांसद दिया कुमारी कोयल पंचायत के भवानी की भागल गांव पहुंची, जहां मां भवानी माता के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन के बाद पुजारी द्वारा सांसद को माता के चरणों से पुष्प दिए। इस दौरान कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ व कुंभलगढ़ प्रधान कमला दसाना, भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह बारट भी साथ में थे और सभी ने माता के दर्शन करने के बाद क्षेत्रीय ग्रामीणों से रूबरू हुए। इस दौरान गांव की अनुराधा वैष्णव व ग्रामीणों द्वारा सांसद दिया कुमारी के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। फिर गांव के युवाओं ने नेटवर्क की समस्या से सांसद दिया कुमारी के साथ विधायक राठौड़ को अवगत कराया। इस पर दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने जल्द उचित समाधान करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान मदन लाल, लीलाधर लाल जोशी, केशव महाराज, धीरज जोशी, भानु प्रजापत एवं गोविंद सिंह आदि मौजूद थे। कसार में वैदिक संस्कार शिविर का राजसमंद विधायक व प्रधान ने किया अवलोकन। सेवंत्री पंचायत के कसार गांव में सनातन शिक्षण संस्थान द्वारा चल रहे वैदिक संस्कार शिविर का राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी व प्रधान अरविंद सिंह राठौड़ ने अवलोकन किया। विधायक व प्रधान ने का सेवंत्री सरपंच विकास दवे ने अगवानी की, जबकि पंडित उमेश द्विवेदी द्वारा इकलाई बहना का स्वागत किया गया। उसके बाद वैदिक संस्कार शिविर में बटुकों को दी जा रही शिक्षा के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही वैदिक शिक्षण संस्थान द्वारा अब तक लगाए गए शिविरों एवं शिविर के माध्यम से शिक्षित बटुकों के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही भविष्य में वैदिक स्कूल खोलने की कार्य योजना के बारे में भी विस्तार से बताया। इस पर विधायक माहेश्वरी ने वैदिक संस्कार शिविर की प्रशंसा करते हुए वैदिक स्कूल के लिए हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। इस दौरान विजय शर्मा, जितेंद्र शर्मा सहित कई शिक्षक व बटुकगण मौजूद थे। कसार क्षेत्र में अरावली की वादियों में गूंजे वेद मंत्र, 305 बटुक सीख रहे हैं वैदिक मंत्रोच्चार। कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के सेवंत्री पंचायत के कसार गांव में सनातन शिक्षण संस्थान द्वारा चल रहे वैदिक संस्कार शिविर में 305 बटुकों को वैदिक मंत्रोच्चार व वेद पाठ का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आचार्य उमेश द्विवेदी के निर्देशन में चल रहे शिविर में प्रातःकालीन संध्या वंदन, संज्ञा उपासन, शिखा बंधन, पवित्रीकरण, प्रोषणाम, प्राणायाम, सूर्य अर्घ्यम, गायत्री मंत्र की माला के साथ बालकों की दिनचर्या शुरू हो रही है। संस्थान कोषाध्यक्ष पंडित जितेंद्र शर्मा ने बताया कि शिविर में 12 वर्ष से अधिक उम्र के बालक भाग ले रहे हैं। इसके तहत दुर्गा सप्तशती पंचांग देखने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर में पंडित योगेश त्रिवेदी, अनिल शर्मा बूंदी, अनिश अग्निहोत्री, विनोद त्रिवेदी, भरत पानेरी, नीलेश शर्मा, प्रशांत व्यास द्वारा शिक्षण कराया जा रहा है। केलवाड़ा थाना प्रभारी प्रवीण टाक कार हादसे में घायल अस्पताल में भर्ती। कुंभलगढ़ से उदयपुर मार्ग पर लोसिंग के पास गाय को बचाने के प्रयास में बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में केलवाड़ा थाना प्रभारी प्रवीण टाक सहित
दो लोग गंभीर घायल हो गए। दोनों को उदयपुर के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। केलवाड़ा थाना के ASI बाबूलाल ने बताया कि थाना प्रभारी राजकार्य से उदयपुर जा रहे थे, तभी हादसे में केलवाड़ा थाना प्रभारी टांग घायल हो गए। उसी दौरान वहां से गुजर रहे राजमंद पुलिस लाइन के उप निरीक्षक प्रेम सिंह ने घायल थाना प्रभारी टांग एवं अन्य को तत्काल उदयपुर के निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया। बताया कि थाना प्रभारी का एक हाथ व एक पैर फ्रैक्चर के अलावा पसली व सिर पर भी चोट लगी है। फिलहाल थाना प्रभारी टांग चिकित्सकीय की देखरेख में अस्पताल में उपचारत है। फिर राजमंद व उदयपुर के कई पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंच गए।